जेपी नड्डा जी, आपकी इतिहास की नॉलेज कम है या आप जानबूझ के देश को झूठी बातें बताते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन आपसे माफ़ी की मांग मैं तब तक करती रहूंगी जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे। आपने कर्नाटका चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि भारत 2014 के पहले भ्रष्टाचार के नाम से पहचाना जाता है, घुटनों के बल चलने वाला भारत था, देश के सैनिकों का अपमान किया है आपने। जब 1971 का वॉर हुआ था, उस वक्त जब ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, उस पर चढ़ाई कर रही थी भारत की सेना, उस वक्त क्या हुआ था? आप लोग जिनके पिट्ठू हैं ना, यानी कि अमरीकियों के, उस अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र हेनरी किसिंगर के कहने पर 7th फ्लीट भेज रहा था बे ऑफ बंगाल की तरफ, मगर इंदिरा गांधी जी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी, वो पीछे नहीं हटी थी। उन्होंने अपनी सेना को कहा था अपना बल दिखाओ, वो बल घुटनों पे चलने वाला दिखता है आपको, कितने बेशरम हो, शर्म नहीं आती? अब तक तो राजनीति से रिटायर कर जाना चाहिए था। उस युद्ध के बाद भूगोल बदल गया था, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था, यानी कि पाकिस्तान के दो टुकड़े, और साथ ही 97,000 जो सैनिक थे पाकिस्तान के, उन्होंने सरेंडर किया था। हम ढाका तक अंदर घुस गए थे, ये घुटनों के बल चलने वाला भारत था। माफी मांग लो, माफी मांग लो जेपी नड्डा, अगर जरा भी देश का मान करते हो, जिस देश में पैदा हुए हो, माफी मांगो, वरना देशद्रोही कहलाए जाओगे।